आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एक कोरियन मूवी के बारे में जिसका नाम है द गैंगस्टर द कॉप एंड द डेविल। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है और ये 2019 में रिलीज़ हुई थी। 2019 की अगर टॉप 10 मूवीज़ की बात करें तो उस लिस्ट में इस मूवी का नाम ज़रूर आता है। एंड अगेन इस मूवी में अगेन मा दोंग सोक है या फिर डॉन ली, जो जल्द ही मार्वल के इटर्नल्स मूवी में भी आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मूवी कैसी है और जितने इस मूवी का हाइप है क्या मूवी उस लायक एक्चुअली है या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में। सो इस मूवी में गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं डॉन ली या फिर मा दोंग सोक। मूवी में जो इंस्पेक्टर बने हैं यानी जो कॉप है वो हैं किम मू यूल, और जो डेविल का जो या फिर जो सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहे हैं उन एक्टर का नाम है किम सोंग ग्यू। मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, जितना सिंपल इस मूवी का टाइटल है गैंगस्टर कॉप एंड डेविल। कहानी भी इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो डेविल होता है यानी जो सीरियल किलर होता है वो गलती से एक बार वो अटेम्प्ट करता है ट्राइज टू किल दैट गैंगस्टर, बट वो फेल हो जाता है। इस वजह से वो गैंगस्टर उनके पीछे पड़ जाता है। और उसी तरह कॉप जो है वो बहुत पहले से इस सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। एंड अल्टीमेटली बोथ द कॉप एंड द गैंगस्टर दे ज्वाइन हैंड्स एंड दे डिसाइड टू यू नो फाइंड दिस सीरियल किलर टुगेदर। बट टूवर्ड्स द एंड मतलब उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है कि जो इसको पहले पकड़ेगा वो उसे अपने साथ ले जाएगा। सो इफ द गैंगस्टर इज एबल टू कैच हिम सो वो उसे पकड़ के अपने हिसाब से पनिश करेगा, अगर वो कॉप पकड़ लेगा तो वो उसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो मुझे कुछ खास लगी नहीं मूवी के बारे में। सबसे पहला है थ्रिल। मूवी में थ्रिल जो है वो ऐसे एक मूवी थ्रिलर जॉनर की है, बट मूवी पूरी एंड तक स्टार्ट टू फिनिश एक पूरी थ्रिलर नहीं है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर नहीं है। मूवी में थ्रिल तब तक ही रहता है जब तक आपको पता नहीं रहता है कि ये सीरियल किलर है कौन। दूसरी बात, जब भी कोई मूवी में सीरियल किलर आपको दिखाया जाता है तो वो सी एंड में ये ज़रूर बताया जाता है कि वो सीरियल किलर आखिर लोगों को जो मार रहा है उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। बट इस मूवी में जो सीरियल किलर है वो रैंडमली किसी को भी मारता है और विदाउट राइम एंड रीज़न, और इवन टुवर्ड्स दी एंड वो कभी भी उसकी साइकी के बारे में कभी किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है कि वो लोगों को मार क्यों रहा है आखिर। और थर्ड थिंग जो मुझे इस मूवी में उतनी कुछ खास नहीं लगी है वो ये है कि मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, मूवी का स्क्रीन प्ले जैसे कि मूवी एक कॉप है एक गैंगस्टर है और वो मिलके किसी को पकड़ना चाह रहे हैं, तो इस तरह की मूवीज़ में चेस बहुत अच्छा होता है, अगेन थ्रिल अच्छा होता है, सस्पेंस ना भी हो फिर भी एक एज ऑफ द सीट बना रहता है। जो चूहे बिल्ली का जो खेल होता है कि जो सीरियल किलर है वो किस तरह से चकमा दे रहा है, वो किस तरह से बच रहा है, पुलिस किस तरह से उसे पकड़ना चाह रही है, वो सब मिसिंग है इस मूवी में। इनफैक्ट इस मूवी में एक जो सेलिंग पॉइंट बनाया गया है वो ये है कि एक कॉप और एक गैंगस्टर मिलके एक सीरियल किलर को पकड़ रहे हैं, बट उसका भी कुछ खास इम्पैक्ट देखने को मिलता नहीं है इस मूवी में। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मूवी में मुझे अच्छी लगी है। सबसे पहली चीज़ है डॉन ली या फिर मा दोंग सोक, उनकी एक्टिंग अगेन एज अ गैंगस्टर गैंग लीडर बहुत ही अच्छी है। वो अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई भी करते हैं। वो उनके जो सीन्स होते हैं वो राइवल गैंग मेंबर्स के साथ और किस तरह से वो अपने पूरे गैंग को हैंडल करते हैं वो देख के पता चलता है कि ही इज़ प्लेइंग इट टू द कोर एंड ही इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब एज अ गैंग लीडर। दूसरी चीज़ जो मुझे इस फिल्म में अच्छी लगी है वो ये है कि यूजुअली जब एक सीरियल किलर पे स्टोरी बेस्ड होती है तो एक कॉप होता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू चेज अ सीरियल किलर, जो कि यूजुअल स्टोरी लाइन होती है एंड वी ऑल नो कि हाउ इट एंड्स अप। बट इस केस में मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हियर द कॉप एंड अ गैंग लीडर एंड अ गैंगस्टर बेसिकली दे बोथ आर ट्राइंग टू कैच अ सीरियल किलर। सो ये मूवी में एक थोड़ा सा नया है जो मूवी को थोड़ा सा वॉचेबल बना देता है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गैंग लीडर के रोल में डॉन ली के अलावा किसी और कैरेक्टर या कोई और एक्टर को कास्ट किया जाता तो शायद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। आई मीन आई बेसिकली वॉच्ड दिस मूवी बिकॉज आई एम अ डॉन ली मा दोंग सोक फैन। सो इस वजह से ये मूवी थोड़ी सी मतलब ये एक प्लस पॉइंट की तरह आप देख सकते हैं।